हेलो दोस्तों, आइए सबसे पहले AIMM की पहली जीत की मुबारकबाद हम सबको देते हैं। और जो भी AIMM के चाहने वाले हैं, AIMM के जीत की जो है बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उनको जो है जीत की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। हालांकि अभी एक ही जीत हुई है और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हुई है। हालांकि अभी और दो उम्मीदवार हैं जिनकी जीत हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे राउंड बाकी है। 26-27 राउंड होने हैं, 11-12 राउंड हुए हैं, 10-20 हज़ार वोटों आगे पीछे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है घबराने वाली बात भी नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीत की, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है ऑलमोस्ट जीत हो चुकी है। और ये तो साहब पिछले बार से भी ज़्यादा वोट लेकर आए थे। अगर याद हो गया, आज सुबह असदुद्दीन ओवैसी ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट डाला था, और वो पोस्ट क्या डाला था उसके बाद जो है खूब जो है शेयर होने लगा था। पोस्ट क्या डाला था? पोस्ट ये डाला था कि जीत अल्लाह की ओर से है और हम और एक नज़दीक से खुल रहा है, यानी कि नसरु मिनल्लाह फतहुन करीब के जो है इस चीज़ को जो है उन्होंने फेसबुक पेज पर डाला था। और शायद आइडिया लग गया था कि जीत जो है बहुत करीब है, क्योंकि AIMM के लिए जो है इन्होंने काम भी ज़बरदस्त किया है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से जीत का जो ये सिलसिला रहा है। तो AIMM के लिए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है 611,731 वोट लाकर पहले नंबर पर खड़े हैं जिस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं, और 314,725 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अब जो है किसी भी तरीके से तो इम्पॉसिबल है इनको हराना। और दूसरे नंबर पर माधवी लता आई है। ये वही माधवी लता है जो जीत के जो है लगातार दावे पेश कर रही थी, हिंदुत्व को लागू करने की कोशिश कर रही थी, हिंदू मुस्लिम को बीच में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है लाने की कोशिश कर रही थी ताकि वोट जो है एक तरफा इनको मिले, हिंदू वोट। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जो है वो काम का उनको फल मिला है, काम का नतीजा मिला है, और काम पर ही ये विश्वास करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा कि अभी इलेक्शन जारी है, अभी इलेक्शन कंप्लीट भी नहीं हुआ है, वोट ख़त्म हुआ इनका और अगले दिन से ही ऑफिस में बैठ गए। हालांकि और लोगों को देखते तो वो इंतज़ार करता इलेक्शन के रिजल्ट का, लेकिन ये साहब ने दिखाया है कि अगर आप काम करते रहेंगे सालों साल तो आपके नतीजे जो है आपके हक में आते रहेंगे। खैर, पिछले बार देख लेते हैं क्या हुआ था, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी बड़ी जीत है ये। पिछले बार यानी 2019 की अगर बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने 2019 के अंदर 517,471 वोट लेकर आए थे, और इस बार की अगर बात की जाए कितना वोट, 6 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आ रहे हैं। तो खैर, पिछले बार 517,471 वोट लेकर आए थे, और इनकी जीत की जो मार्जिन है, जीत की जो मेजोरिटी अंतर है वो कितना था, 282,187, और इस बार जीत का अंतर जो है वो 3 लाख से ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले बार से कितनी बड़ी जीत जो है इस बार फिर असदुद्दीन ने यहाँ से जो है इतिहास रचते हुए एक रिकॉर्ड बनाया है। और लगातार पिछले बार की अगर और जाए तो पिछले हर बार से ज़्यादा इस बार जो है अगली बार जो है वोट लाते जा रहे हैं। ये दिखाता है कि असदुद्दीन ओवैसी लगातार काम करते हुए लोगों के दिलों में बसते जा रहे हैं, लोगों के लिए काम करते जा रहे हैं, और लोगों के लिए काम खूब कर रहे हैं, इसलिए लोग उनको अपने दिल के अंदर बसा भी रहे हैं। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को हराने के लिए सारे के सारे लोग इनके ऊपर टूट पड़ते हैं, चाहे वो BJP के बड़े से बड़े नेता वहाँ पर पहुँच जाते हैं ताकि असदुद्दीन ओवैसी को किसी भी तरीके हरा सके, लेकिन ओवैसी साहब की ये काबिलियत कहें या ओवैसी साहब की मेहनत कहें या उनकी पॉलिटिक्स और सियासत करने के जो एक तरीका है वो कहें, तो खैर इनको हराना इम्पॉसिबल सा नज़र आता रहा है पिछले कई बार से। और ये लगातार इनकी 5वीं जीत है, बहुत बड़ी जीत है, लगातार जीत है, सेलिब्रेशन जारी है, वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, और भी बहुत कुछ होना है। और AIMM के इस कामयाबी के लिए खैर बहुत बड़ी जो है दाद बनती है दोस्तों के, और इतनी बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल किया है, इतनी ज़बरदस्त इनकी जीत हुई है। माधवी लता जो ये याद रहे कि जब इलेक्शन का टाइम हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, तो यही माधवी लता साहिबा है जो कि जाकर जहाँ पर बूथ है, जहाँ पर वोटिंग होती है, वहाँ पर मुसलमान औरतों के बुरके को हटाकर चेक कराया जा रहा था कि भाई ये जो है फोकस वोट डालने आ रही है, उनके नकाबों को हटाया जा रहा था, उनको परेशान कर रही थी। तो खैर उनको इनका नतीजा भी मिला, ये वही माधवी लता है जो
जो मस्जिद की तरफ कहीं ना कहीं तीर के इशारा कर रही थी। अब उसका क्या मतलब था, हालांकि जो है उनके ऊपर जो FIR भी किया गया था। तो ये माधवी लता कुल मिलाकर इनको ये दावा कर रही थी कि हम तो इस बार हरा ही देंगे, और जो है पता नहीं किस किस तरह 15 सेकेंड वाली भी घटना लेकर आए, 15 मिनट का भी चीज़ें इन्वॉल्व किया गया। यानी अब समझ सकते 15 सेकेंड और 15 मिनट का क्या मतलब है। तो यानी कुल मिलाकर एक जो नफरत वाली चीज़ें हैं उसको लागू करने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का सिर्फ एक ही काम था कि भाई काम करो और लोगों का जो है परिणाम अपने हक में लाओ। बस उन्होंने उसी चीज़ को जो है अपने तरफ करने की कोशिश की और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। 6 लाख से ज़्यादा वोट लाना इतना आसान काम नहीं होता है दोस्तों, और जो है 3 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया है इनको, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। 3,16,940 वोटों से जो है फिलहाल आगे चल रहे हैं जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उम्मीद यही है कि शेर की दहाड़ है भाई गूंजने वाली है अगले 5 साल तक फिर से, और एक बार फिर से जो है आवाज़ जो है ठीक उसी तरीके से जैसे पिछले कई सालों से 20-25 सालों से जो लगातार आवाज़ उठाते हुए आए हैं मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पसमानदा लोगों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, ठीक उसी तरीके से जो है एक बार फिर से अगले 5 सालों के लिए आवाज़ उठाते आएंगे ये शेर, ये मर्द मुजाहिद। और चाहे शरीयत की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे CA की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, हर किसी के लिए जो है ज़बान बनकर शेर की तरह खड़े होते हैं और खड़े होंगे अगले 5 सालों के लिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है, और ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के लिए ही बल्कि उनके चाहने वालों के लिए, उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके लिए, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए, और उनके लिए उनके जो दीवाने हैं उनके लिए। क्योंकि पूरे असदुद्दीन ओवैसी इस बार तो खैर हैदराबाद के अंदर भी कम रहे थे, क्योंकि वो बाहर भी निकले थे इलेक्शन के टाइम, चुनाव के टाइम बिहार के अंदर कई बार दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कई बार दौरा किया, महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के लिए जो है कई बार रैलियाँ की वहाँ पर, PDM जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर उनके लिए कई बार रैली किया, कई बार जलसा और सभाएं की, और इस वजह से उतना टाइम खुद नहीं दिया और उस काम को अंजाम दे रहे थे। उनके जो छोटे भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी वो अंजाम दे रहे थे, वो इनके लिए जो है आवाज़ बन रहे थे, वो वहाँ पर लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी का ये मानना है, ये कहना है कि अगर आप साल भर काम कर लेते हैं तो फिर आपको जो है इलेक्शन के लिए वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये बात बिल्कुल सही लगा पूरी तरीके से, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी इलेक्शन के टाइम कहीं भी रहे जनता उनको उतना ही सपोर्ट करते, बल्कि और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यही कारण है, यही रीज़न है कि पिछले बार से ज़्यादा वोट इस बार ला रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इनके फॉलोअर्स या इनके वोटर्स जो है इनके ऊपर और ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं, ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, इसीलिए जो है पिछले बार से ज़्यादा वोट इनके हिस्से में आ रहे हैं। और ये 3 लाख से ज़्यादा जो वोटों से जो जीत है इनको, खैर एक रिकॉर्ड जीत है, इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने इतने ज़्यादा वोटों से कभी जीत हासिल नहीं किया था, इससे पहले इतने ज़्यादा वोट लाए भी नहीं थे, 5-6 लाख से ज़्यादा वोट लेकर आ रहे हैं इस बार। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है। खैर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, लव यू।